और अब मेटाबॉलिज्म की बात कर ही रहे हैं तो कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं जो मेटाबॉलिज्म की मिथ है। पहला मिथ है कि लोग कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद मेटाबॉलिज्म आगे तक लंबे तक बढ़ा हुआ रहता है। ये ट्रू है लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन ये जरूर इसमें फैक्ट में ट्रू है। दूसरा ट्रू चीज है कि आप मसल ज्यादा बढ़ा दोगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ट्रू है। तीसरा, अगर आप कुछ खाने पीने की चीजें हैं, सबसे बड़ी चीज, कुछ खाने पीने की चीजों से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, इतना कि आपका वजन सिर्फ उससे कम नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा है कि दसों फैक्टर हैं, बीसों फैक्टर हैं, सिर्फ एक चाय पीने से, सिर्फ एक कॉफी पीने से, सिर्फ एक आपको पता है चाय पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, कॉफी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपका पेपर मिर्ची खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तेज खाना खाने से, स्पाइसी खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता। क्यों? क्योंकि आप स्टिमुलेट होते हैं, आपका सिंपथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, आप जाग जाते हो धड़ाम से। जब जाग जाते हो आपकी सारी बॉडी जाग जाती है, यू आर रेडी टू वर्क। रेडी टू वर्क मीन्स यू आर एक्टिव, सो यू विल डू एक्टिव थिंग्स, आइदर यू विल डू एक्टिव थिंग्स विद योर माइंड या फिर आप काम करोगे हाथ पैर से, राइट? सो दैट्स हाउ मेटाबॉलिज्म इज बूस्टेड, वेरी लिटिल वेरी लिटिल। वेट लॉस उससे नहीं होगा, सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो अगर हम बात करें कि दिक्कत कहाँ आ रही है, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खाने को कही जा रही है, चाहे वो टी कॉफी हो या कोई कैप्सूल हो, उसका इफेक्ट बहुत ही कम है। हाँ, अगर उनमें किसी ने थायराइड हार्मोन मिला दिया और आपको दे दिया तो अलग बात है, क्योंकि आपका फिर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपको बीमार भी करेगा, राइट? सो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट से बचें जिनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता, जिनका कोई बैकग्राउंड वैलिडेशन नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है दुनिया में। लोग आपको थायराइड हार्मोन्स या स्टीरॉयड हार्मोन्स मिला के गोलियां बना के दे देते हैं, और एक्चुअली फिर उनसे इफेक्ट भी आता है, लेकिन वो फिर आपके साइड इफेक्ट भी करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट मिथ का है, लोग सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी सोच है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे, राइट, फास्टिंग करोगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। ऐसा नहीं है, ये टोटली गलत है। मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है, बूस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो, राइट, तो आप पानी ज्यादा पी रहे हो, तो होगा क्या, आपकी बॉडी, या पानी कम पी रहे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी वैसे, बट होगा क्या, आपकी बॉडी एनाबॉलिज्म नहीं करेगी, बनाना छोड़ के कैटाबॉलिज्म तोड़ना शुरू करेगी, क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो सब कुछ तोड़ेगी, प्रोटीन भी टूटेगा, फैट भी टूटेगा, ग्लाइकोजन तो खत्म ही हो जाएगा जब खाना नहीं खा रहे हो तो बीच में। So, ये टूटेगा, वो टूटेगा, ये टूटेगा, सब टूटेगा, तो मेटाबॉलिज्म तो एक तरीके से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दोनों तरफ जो बैलेंस हो रहा है वो नहीं है। हाँ, ये बैलेंस बहुत जरूरी है रखना। अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है, कैटाबॉलिज्म उतना ही या कम है, तो आप मोटे होगे, कैटाबॉलिज्म ज्यादा है तो पतले होगे, लेकिन बैलेंस रखना जरूरी इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बहुत ज्यादा ये डिफरेंस तो बहुत मोटे, बहुत ज्यादा कैटाबॉलिज्म बढ़ा तो बहुत ज्यादा पतले, और लिवर किडनी सब खराब, इसमें प्रॉब्लम होता है, किटोसिस होता है, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, राइट? क्योंकि उतने ही वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, तो देयर हैज टू बी अ स्पीड। इंस्टेंट कुछ नहीं होता, इंस्टेंट सिर्फ चोरी होती है, डाका होता है, चोरी डाका करने से पैसा जल्दी मिल जाता है, लेकिन फिर पुलिस पीछे पड़ सकती है और जेल जाना पड़ सकता है। सेम वे जल्दी कुछ भी काम करवाना है, शॉर्टकट मेथड इज ऑलवेज ऑलवेज रिस्की, रिमेंबर दैट इन एनीथिंग। सो दैट इज वन पॉइंट। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं बिना पानी पिए तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं तब तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, उसके बारे में वीडियो मैंने बना चुका हूं, उसको जाके देख लीजिएगा। अगर वजन कम करना है हेल्दी मेथड से करो, हेल्दी मेथड से करो। बहुत मुश्किल है कीटोजेनिक डाइट को हेल्दी विंडो के अंदर मेंटेन रखना, इतनी सी विंडो है हेल्दी, उसमें मेंटेन खुद से रखना इम्पॉसिबल के आसपास है विदाउट अ डॉक्टर। एनीवेज, तो ये बैलेंस कैसे रखें? कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का बैलेंस होगा स्मॉल मील्स, छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स से, चूजिंग हेल्दी फूड से। अगर आपको बैलेंस रखना है, कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम करें, फैट ज्यादा खा रहे हैं, फैट कम करें, एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस, आइडियल डाइट। अगर बैलेंस रखेंगे, स्मॉल स्मॉल मील्स रखेंगे, तो
थोड़ा थोड़ा सा एनाबॉलिज्म होता रहेगा कि आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन है, एनर्जी है, वो मिलती रहे, और बीच बीच में कैटाबॉलिज्म होता रहेगा ताकि जो तोड़ना है फैट वो टूटता रहे। सो दैट वे यू कैन एक्चुअली गो फ्रॉम फैट टू फिट इन अ हेल्दी वे। यू कैन एक्चुअली डिक्रीज एंड इंक्रीज इंक्रीज योर मसल मास एंड डिक्रीज योर मसल फैट स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड मेटाबॉलिज्म। किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता। हाँ, ये सारे फैक्टर्स को देखिए, अगर कोई फैक्टर है जो आप करेक्ट कर सकते हैं वो करेक्ट करिए। जेनेटिकली अगर बात करी जाए तो बहुत ही कम लोगों का फैक्टर, बहुत कम फैक्टर है, बहुत कम लोगों का ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, लेकिन जेनेटिकली मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता। रिमेंबर दैट, मेटाबॉलिज्म कैन बी फास्ट जेनेटिकली, लेकिन स्लो बहुत माइनर डिग्री में होता है। 19-20 का फर्क है, इतना नहीं कि मेरा जेनेटिकली स्लो है, ऐसा नहीं होता। सो दैट्स द आइडिया अबाउट मेटाबॉलिज्म। डोंट गो अराउंड बाइंग उल्टी सीधी चीजें जस्ट टू गेट थिन या जस्ट टू बिल्ड बॉडी जस्ट बिकॉज समबडी सेज सो। डू योर ओन रिसर्च, मुझे जरूर नीचे लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस सीरीज। बॉडी कैसे बनेगी, वजन कैसे कम होगा, इन सब में मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए ये वीडियो जरूरी था। सो टेक केयर गाइज एंड ऑलवेज शेयर दीज वीडियोज विथ एवरीवन। किसी को भी, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके ट्रेनर, आपके इंस्ट्रक्टर, आपके फिटनेस एक्सपर्ट, दूसरे यूट्यूबर, सबको ये वीडियो भेजिए। एटलीस्ट वो आगे बताएंगे तो कुछ नॉलेजेबल बताए, राइट? क्योंकि साइंस नहीं बदलेगा, उनको कितना नॉलेज है ये मैं नहीं कह सकता। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम अ फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट। आई एम बिजी इसलिए दोस्त बॉडी बनाने का मौका नहीं मिलता। एनीवेज थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।